गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड हेल्दी. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड योर दिवाली वेकेशंस. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट अवर स्टडीज. ओके, बिफोर दैट आई हैव वांट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन इन योर PA2. ओके, चैप्टर नंबर 14 एंड 15 आर गोइंग टू कम. ओके, यानी कि आपका जो PA2 एग्जाम होगा उसमें सिर्फ दो चैप्टर आ रहे हैं, वो हैं 14 एंड 15. एंड स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 एंड 15, आई हैड एक्सप्लेन यू, चैप्टर नंबर 14 है मैप्स एंड मैपिंग एंड चैप्टर नंबर 15 वेस्ट मैनेजमेंट. ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं. सो नाउ यू विल प्रिपेयर दैट टू चैप्टर्स. ओके, और आपको उन चैप्टर्स को रीडिंग भी करना होगा, क्योंकि समटाइम्स फिलअप्स या ऐसे कुछ भी चीजें होती है जो कभी कभी बीच चैप्टर के बीच में से भी कभी कभी आ सकती हैं. ओके, सो आपको चैप्टर की रीडिंग भी इसके लिए करनी होगी. ओके, ओनली टू चैप्टर्स आर देयर बेटा. ओके, सो यू विल डू इट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर अनादर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12, एयर अराउंड अस. ओके, सो बेटा, आपका जो PA2 का सिलेबस था वो हमने कंप्लीट कर लिया है. चैप्टर नंबर 14 एंड 15 थे और वो हम कर चुके हैं. अब आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसे लर्न करना है, उनको रीड करके समझना है. ओके, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन सी माई यूट्यूब चैनल. ओके, आई एम हैविंग देयर माई वीडियोज. ओके, मेरे वीडियोज हैं वहां पे ऑन ईच टॉपिक, यू कैन चेक देयर. ओके, एंड नाउ स्टूडेंट्स, एनुअल के जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको अभी बता रही हूँ कौन से हैं. एनुअल एग्जाम में हमारे चैप्टर नंबर 12, 13, 17, 18, 19 एंड 20 आएंगे. मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मैसेज कर दिया है अभी. ओके, सो यू कैन चेक इन दैट ऑल्सो, और यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम योर वेबसाइट, है ना. हमारे स्कूल की जो वेबसाइट है वहां से भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 12. ओके, रिविजन आई विल टेक विथ इन योर जूम ऑनलाइन क्लास. ओके, तब मैं आपके रिविजन भी लूंगी. सो वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 12, एयर अराउंड अस. ओके, सो स्टूडेंट्स, वॉट इज एयर? एयर मीन्स ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं. ओके, तो एयर अराउंड अस यानी कि जो हमारे आसपास में जो भी एयर है, हवा है ना, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. एयर अराउंड अस, वी हैव रीड इन द प्रीवियस क्लास दैट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर. हियर आर टू सिचुएशन, कैन यू टेल विच हैज ऑक्सीजन एंड वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो फ्रॉम दिस यू कैन से दैट, आप ये देख के बता सकते हो कि कहाँ पे ऑक्सीजन है और किसमें ऑक्सीजन नहीं है. ओके, नाउ वी ऑल नीड एयर टू लिव. ओके, यानी कि हमें जीने के लिए एयर की जरूरत है. वी ऑल नीड एयर टू लिव, जिंदा रहना है, एयर चाहिए, एयर यानी कि ऑक्सीजन. ओके, एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर जो है वो हमारे आसपास है ना, सब जगह एयर ही है. वी कैन फील एयर व्हेन वी रन, जब हम दौड़ते हैं तब एयर को हम फील कर सकते हैं. साइकिल और स्विंग, या फिर जब हम साइकिलिंग करते हैं तब भी हम एयर को फील कर सकते हैं, या फिर स्विंग यानी कि जब हम झूला झूलते हैं तब. ओके, या हम झूलते हैं तब. दिस इज बिकॉज ऑफ द एयर इज मूविंग अगेंस्ट अवर फेस, क्योंकि ये जो एयर है ये क्या होती है, हमारे आसपास ही घूमती रहती है, हमारे चेहरे के मूविंग अगेंस्ट अवर फेस, है ना. जब हमारे फेस पे टकराती है एयर तब हमें इसको फील हम कर सकते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि जो मूविंग एयर है, जो मूव कर रही है एयर, यहाँ से वहां जा रही है. आप देखते हो जब बहुत तेज हवा आती है ना, या फिर आप कार में से अपने चेहरा बाहर निकालते हो खिड़की से, तो आप देखते हो कि फेस पे बहुत तेज हवा आती है ना. सो दैट इज मूविंग एयर एंड इज कॉल्ड विंड. ओके, जो तेज हवा चलती है उसे हम विंड भी कहते हैं. विंड हेल्प्स अस इन ड्राइंग क्लोथ्स, जो हम कपड़े बाहर सुखाते हैं हवा में, वो कैसे सूखते हैं, एक तो तेज हवा से भी सूखते हैं और एक धूप से भी सूखते हैं. ओके, सो विंड हेल्प अस इन ड्राइंग क्लोथ्स, ब्रिंग रेनफॉल, है ना, बारिश भी क्या है, विंड ही लेके आता है. हेल्प एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू फ्लाई, यानी कि एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको उड़ने में भी कौन मदद करता है, विंड ही मदद करती है. हेल्प सेल बोट सेल ऑन वाटर एक्सेट्रा, और जो भी पानी की जहाज सेल बोट्स होती हैं वो सब सेल करती है ना वाटर पे चलती हैं. ओके, तो इसी की हेल्प से चलती है. व्हेन विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज, यानी कि जब जेंटली मतलब बहुत अच्छी सी जो हवा चलती है ना उसे हम कहेंगे ब्रीज. ओके, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत जब तेज हवा चलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो
तो विंड कैन कॉज अ स्टॉर्म, और उससे क्या हो सकता है, स्टॉर्म भी हो सकता है. When wind blows gently, it is called breeze. Fast and strong winds can cause a storm. Storm यानी कि आंधी तूफान जो हम कहते हैं ना, that is storm. Okay. So जब बहुत ज्यादा तेज strong आंधी तूफान आते हैं तो क्या होता है, can cause a storm. Okay. यानी कि जो बहुत तेज हवाएं चलती है तो वो होता है storm. उसे हम आंधी तूफान कहते हैं. A storm can be strong enough to blow away things. यानी कि ये जो storm होता है ना, जब तूफान आता है तो आप देखते हो सारी चीजें उड़ जाती है, कई बार पेड़ तक उड़ के गिर जाते हैं ना. सो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्लो अवे थिंग्स, यानी कि वो किसी भी चीज को उड़ा के अपने साथ ले जा सकता है, इतना ज्यादा ये जो स्ट्रॉन्ग है ये स्ट्रॉन्ग होता है. ओके. एयर ऑल्सो कैरी साउंड एंड स्मेल. अब ये जो एयर है ये क्या करती है, अपने साथ में साउंड एंड स्मेल भी लेके चल सकती है, कैरी कर सकती है. जैसे कि आप देखते हो, आप परफ्यूम लगाते हो है ना, फिर आप परफ्यूम लगा के कहीं भी जाओगे तो आप जहां जहां जाओगे वो खुशबू आप सब जगह फैलाओगे है ना. तो एयर ऑल्सो कैरीज साउंड एंड स्मेल. स्मेल जो है ये खुशबू है. हम एक से एक, अगर एक जगह हम स्प्रे करते हैं और अगर वो जो एयर है वो सारी जगह जा रही है, तो जहां जहां एयर जाएगी वहां वहां ये स्मेल को कैरी करेगी, अपने साथ ले जाएगी. या फिर साउंड जो है, साउंड भी इसी टाइप से, अगर आप यहाँ से तेज बोलते हो तो थोड़े बहुत काफी दूर तक आपकी आवाज जो है एयर के साथ में जा सकती है. ओके. सो एयर ऑल्सो कैरी साउंड एंड स्मेल. Without air, the world around us would be odorless and silent. यानी कि अगर air ना हो तो the world around us, जो ये world है हमारे आसपास का, ये odorless and silent हो जाएगा. Odorless means without a smell. कोई खुशबू इसमें नहीं रहेगी, कोई smell इसमें नहीं रहेगी. Okay? And silent, बिल्कुल चुप हो जाएगा क्योंकि हमें कोई भी आवाज नहीं आएगी फिर. Okay? Now see properties of air. एयर कैन नॉट बी सीन, यानी कि ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं एयर की. ओके. सो एयर कैन नॉट बी सीन बट इट ऑक्यूपाई स्पेस. एयर को हम देख सकते हैं, हम देख नहीं सकते, लेकिन ये एक जगह ऑक्यूपाई करता है, यानी कि इसके लिए जगह चाहिए होती है. ओके. इट हैज वेट, इसका वजन भी होता है. एंड इट एग्जर्ट्स प्रेशर टू, और ये प्रेशर भी डालती है. एग्जर्ट मीन्स गिव और हैव. ओके. यानी कि ये एग्जर्ट प्रेशर को छोड़ती है कह सकते हैं, गिव्स, या इसमें प्रेशर भी होता है आप कह सकते हो. अ फ्यू सिंपल एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव दिस. तो हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे यहाँ पे जिससे कि हम ये प्रूव कर सके कि एयर में क्या होता है, वेट होता है. एंड इट कैन एक्सर्ट प्रेशर टू. ओके. एक्सपेरिमेंट वन, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं. लेट अस ब्लो एयर इनटू अ बलून. हम क्या करते हैं, एक बलून में एयर फिल करते हैं. ब्लो करना यानी कि उसमें एयर भरना. आप देख सकते हो ये जो बच्ची है, शी इज ब्लोइंग द बलून. ओके. बलून में हवा भर रही है. वी विल फाइंड दैट द बलून बिकम्स बिगर इन साइज एज वी फिल एयर इन इट. और जैसे जैसे ये बच्ची इसमें हवा भरे जा रही है, इस बलून का साइज जो है क्या हो रहा है, बिकम्स बिगर, यानी कि बड़ा हो रहा है. पहले आप देख सकते हो छोटा सा बलून इसके पास में था ना, खाली बलून जिसमें हवा नहीं भरी है. बाद में इसने क्या किया, इसमें हवा जो है वो ब्लो करी, अंदर फूंक मारी है और इसमें ब्लो करके एयर को फिल कर दिया है. ओके. इन द बलून. नाउ व्हाट यू कैन सी दैट, लेट अस नाउ लीव द माउथ ऑफ बलून ओपन एंड वॉच. अब हम क्या करेंगे कि ये हमने इसमें यहाँ पे फिल कर दी है हवा है ना, और अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. तो अब जब आप यहाँ देख रहे हो दूसरे पिक्चर में, तो आप देखोगे कि हवा जो है वो सारे बलून से चली गई है. क्यों? क्योंकि हमने इसके माउथ को क्या किया था, ओपन रखा था, खुला रखा था. अगर हम इसको यहाँ पे बांध देते तो हमारा बलून जो है इसके अंदर एयर जो है वो रहती है ना, लेकिन अब आप हमने नहीं बांधा और हमने इसको क्या किया, ओपन यानी खुला रख दिया है. एंड वॉच एज एयर लीव्स द बलून, और वो जो एयर है वो बलून को लीव करके बाहर निकल गई है. ओके. व्हाट हैपेंस, अब क्या हुआ, द साइज ऑफ द बलून डिक्रीजेस है ना, बिकमिंग स्मॉल. डिक्रीजेस मीन्स बिकमिंग स्मॉल. तो आप देख सकते हो पहले जब ये बच्ची हवा भर रही है इसमें, तब ये बलून बड़ा है, लेकिन जब इसने इसमें इसको ओपन करके रखा था तो क्या हो गया, ये जो एयर थी वो सारी चली गई इस बलून में से, और ये अब डिक्रीज यानी कि स्मॉल साइज का हो गया है. ओके. दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं कि एयर जो है वो जगह लेती है. एयर ऑक्यूपाई स्पेस है ना, क्योंकि इसमें देखो जब हमने फिल की हवा तो इसका साइज बड़ा हो गया है ना, और जैसे ही हमने इसको यहाँ से हटा दिया और इसको खोल दिया तो ये जो एयर थी ये बाहर चली गई और इसने जगह जो है वो छोड़ दी. ओके.
नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट, लेट अस ब्लो इक्वल अमाउंट ऑफ एयर इन टू टू बलून्स. अब हम क्या करेंगे, दो बलून लेंगे और उनमें इक्वल अमाउंट की एयर हम फिल कर देंगे. ओके, वी कैन टाई द बलून्स एट ईदर एंड्स ऑफ अ स्टिक एंड होल्ड द स्टिक एट द सेंटर. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बलून्स को बांध दिया हमने कहाँ पे, एक स्टिक पे, है ना, एक स्टिक ले लिया, उसमें हमने दोनों जगह बलून बांध दिया और एक बीच सेंटर में हमने इस तरह से होल्ड कर रखा है, यहाँ से ओके पकड़ रखा है. नाउ लेट अस रिलीज द एयर ऑफ वन ऑफ द बलून्स बाय प्रिकिंग अ पिन इनटू इट. अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, दो बलून है जो कि एक स्टिक के दोनों एंड पे बंधे हुए, साइड्स पे बंधे हुए, और बीच से हमने क्या कर रखा है, इसको पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है ना, जैसे कि हम तराजू लेते हैं ना वेट करने के लिए. आप देखते हो कोई सब्जी वाला होता है या कोई भी जो वेट करके मेजर करके हमें चीजें देते हैं, तो आप देखते हो ऐसे एक मेजरमेंट के लिए तराजू होता है ना, तो जब दोनों जगहों पे एक जैसे वेट होगा तब ये बिल्कुल लाइन जो है स्ट्रेट होगी, अदरवाइज क्या होगी, एक जगह से ऊपर और एक जगह से नीचे चली जाएगी. यानी कि इसका मतलब यह है कि जिस जगह पे भी कम वेट होगा वो चीज यहाँ से ऊपर चली जाएगी, है ना. और सेम अब हम इन बलून के साथ भी ऐसा करके देखते हैं क्या होता है. ओके, सो पहले हमने एक जितनी हवा भर दी इनमें, फिर हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में एक बलून की हमें क्या करनी है, वी रिलीज, नाउ लेट अस रिलीज द एयर ऑफ वन ऑफ द बलून बाय प्रिकिंग अ पिन इनटू इट. यानी कि प्रिक करनी, हमें पिन को इसमें चुभाना है, प्रिकिंग मीन्स इसमें गड़ानी है पिन को. तो आप देख सकते हो इस ग्रीन बलून में हमने गड़ाई और क्या हो गया है, ये जो बलून है ये फूट गया है ना. What do we see? The stick comes down toward the side of the balloon that still has air in it. और अब हमने देखा है कि क्या हुआ, जहां पे भी वेट नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था कि जिस जगह भी वेट नहीं होगा वो जगह से ये जो स्टिक होगी ये ऊपर चली जाएगी, और जो दूसरी साइड होगी जहां पे वेट होगा वो नीचे आ जाएगा. ओके, तो ये वाला बलून फूटा और क्या हो गया, यहाँ की जो एयर थी वो रिलीज हो गई, तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, है ना. जब यहाँ पे दोनों चीजें बराबर की थी तो ये जो स्टिक है आप देख सकते हो इसने बिल्कुल सीधी सीधी थी, है ना, और जैसे ही यहाँ पे ये खाली हो गया है, यहाँ से वेट हट गया है, तो ये जो डंडी है या ये जो स्टिक है यहाँ से ऊपर हो गई है. क्यों ऊपर हो गई है, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी वेट नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट साइड में जो है इस येलो बलून में अभी भी वेट बाकी है ना, तो यहां से ये नीचे हो जाएगा क्योंकि इसमें वेट है. ओके, सो द स्टिक कम्स डाउन टुवर्ड द साइड ऑफ द बलून दैट स्टिल हैज एयर इन इट. ओके, दिस इज बिकॉज द इन्फ्लेटेड बलून, इन्फ्लेटेड मीन्स फिल्ड बलून जिसमें एयर है अभी भी. ओके, दिस इज बिकॉज द इन्फ्लेटेड बलून कंटेन्स एयर विच हैज इट्स ओन वेट. ओके, यानी कि ये जो अभी भी जो अभी बलून है ये वाला येलो कलर का, इसमें अभी भी क्या है, एयर जो है वो है और एयर का वेट भी है. ओके, सो हेंस दिस, फ्रॉम दिस वी कैन प्रूव दैट एयर हैज वेट. इसी से हमें पता चलता है कि एयर में भी वेट होता है. ओके, नाउ वी विल सी अवर थर्ड एक्सपेरिमेंट. नाउ लेट अस टेक अ टम्बलर, एक टम्बलर ले लेंगे, यानी कि एक लंबा सा ग्लास, अ टॉल ग्लास, एंड फिल इट विथ वॉटर, उसको हम वॉटर से फिल कर लेंगे. Leaving one fourth of the tumbler empty. One fourth यानी कि एक चौथाई हिस्सा, आप देख सकते हो पूरी फिल हमने नहीं करी है, इसके थ्री पार्ट हमने फिल किए और वन फोर्थ को हमने खाली छोड़ दिया है. अब खाली छोड़ोगे तो वहां पे क्या हो जाएगी, एयर रह जाएगी. ओके, सो लिविंग वन फोर्थ ऑफ द टम्बलर एम्प्टी, वी देन प्लेस अ कार्डबोर्ड पीस ओवर द माउथ. अब हमने क्या कर दिया, थोड़ी सी जगह छोड़ दी, यानी कि वन फोर्थ हमने जगह छोड़ दी, उसके ऊपर अब हमने कार्डबोर्ड को टाइटली रख दिया है. ओके, वी देन प्लेस अ कार्डबोर्ड पीस ओवर द माउथ ऑफ द टम्बलर एंड होल्ड इट इन प्लेस. ओके, और वहीं पे हमने इसको होल्ड करके टाइटली रख लिया है पकड़ के. नाउ विद अ क्विक फ्लिप, अब हम क्या करेंगे, एकदम जल्दी से, क्विक यानी कि एकदम जल्दी से उसको फ्लिप यानी उल्टा कर देंगे. ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी वी ओवरटर्न द टम्बलर. अब हमने क्या कर दिया, टम्बलर को पूरा उल्टा कर दिया है. ओके, टू अवर सरप्राइज, अब देखो क्या सरप्राइज हमें मिलता है, वी कैन सी दैट द कार्डबोर्ड डज नॉट फॉल ऑफ, यानी कि ये जो कार्डबोर्ड है ये अभी गिर नहीं रहा है ना, इट डज नॉट फॉल ऑफ. दिस इज बिकॉज, ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये है, दिस इज बिकॉज द वॉटर इन साइड द टम्बलर एग्जर्ट प्रेशर, यानी कि ये जो पानी है टम्बलर के अंदर वो क्या कर रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है बाय पुशिंग इट डाउनवर्ड. बट क्या कर रहा है, ये जो वॉटर है ये प्रेशर कर रहा है इसको नीचे आने के लिए. ओके, बट डाउनवर्ड आने के लिए, बट एयर आउटसाइड द टम्बलर, यानी कि जो एयर बाहर है, आउटसाइड द टम्बलर, टम्बलर के जो बाहर एयर है, दैट टम्बलर एग्जर्ट्स प्रेशर टू पुश इट अपवर्ड, लेकिन
वो क्या कर रही है, एयर जो है वो उसको अपवर्ड पुश कर रही है, इसीलिए ये जो है पानी ऊपर की तरफ ही दिख रहा है, नीचे ये नहीं आ रहा है. ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप टिल हियर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. ओके, वी विल डू दिस व्हाट मेक्स अ एयर डर्टी दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टिल हियर. थैंक्स फॉर दिस क्लास. गुड डे.